बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेंसरी रिसेप्टर्स। हमने रिसेप्टर की डेफिनेशन को पढ़ना है, रिसेप्टर के पांच बेसिक टाइप्स कौन कौन सी होती है, रिसेप्टर के कुछ स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज। पहले रिसेप्टर की डेफिनेशन को देख लेते हैं। रिसेप्टर एक बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर होते हैं जो किसी एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एक फॉर्म की एनर्जी का मतलब जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस होता है ना, इसकी एनर्जी को कन्वर्ट करा देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो इनकी नेचर क्या होती है, जो कोई भी आफरेंट नर्व फाइबर होता है, सेंसरी नर्व फाइबर, उसकी स्पेशलाइज्ड डेंड्राइटिक एंडिंग, हमने कहा था कि जो आफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं इनकी स्पेशलाइज्ड डेंड्राइटिक एंडिंग, उसको अगर हम कवर कर दें नॉन न्यूरल टिश्यू से, मिसाल के तौर पर उसको हम एपिथीलियम चढ़ा दें इसके ऊपर, या फिर कनेक्टिव टिश्यू चढ़ा दें उसकी प्रोटेक्शन के लिए, या फिर उसको सेंस के लिए, स्टिमुलस के लिए, तो उसको बोलेंगे हम रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स दोबारा बता देते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड डेंड्राइटिक एंडिंग्स होती है आफरेंट नर्व फाइबर की, जो किसी नॉन न्यूरल टिश्यू से सराउंड हुई होती है। वह नॉन न्यूरल टिश्यू एपिथेलियल भी हो सकता है और कनेक्टेड टिश्यू भी हो सकता है। याद रखिएगा हमारी बॉडी में चार बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। रिसेप्टर का फंक्शन क्या होगा, रिसेप्टर बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स हैं जो इन्वायरमेंटल सिग्नल्स होते हैं ना, स्टिमुलस, उनकी एनर्जी को कन्वर्ट करा देते हैं एनर्जी ऑफ एक्शन पोटेंशियल। यानी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस में किस टाइप की एनर्जी हो सकती है, वो मैकेनिकल टाइप की एनर्जी भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की एनर्जी भी हो सकती है, वो साउंड एनर्जी भी हो सकती है, वो केमिकल एनर्जी भी हो सकती है, वो हीट एनर्जी भी हो सकती है। उन तमाम एनर्जी को कन्वर्ट करा देना एक्शन पोटेंशियल की एनर्जी के अंदर, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ये रिसेप्टर की डेफिनेशन, उनके फंक्शन हो गए। अब इनके पांच बेसिक टाइप्स को देख लेते हैं। रिसेप्टर को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द मोडालिटी ऑफ सेंसेशन, के किस टाइप की नेचर को ये सेंस करते होते हैं। अगर कोई मैकेनिकल सेंसेशन को सेंस करेगा उसको मैकेनोरिसेप्टर करेगा, कोई अगर हीट को करेगा तो उसको हम कहेंगे थर्मोरिसेप्टर, जो कोई पेन को करेगा तो हम नॉक्साइसेप्टर बोलेंगे, जो किसी टेम्परेचर को, जो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंस करेगा उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर। पहले टाइप है रिसेप्टर की, उसको कहते हैं मैकेनोरिसेप्टर। मैकेनोरिसेप्टर का फंक्शन यह होता है कि ये किसी मैकेनिकल कंप्रेशन या फिर मैकेनिकल स्ट्रेचिंग को सेंस करे, चाहे वो रिसेप्टर की हो, चाहे वो रिसेप्टर के साथ जो एडजेसेंट टिश्यू पड़ा हुआ है उसकी हो, यानी कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग को सेंस करना। इनके आगे कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपन उनकी लोकेशन कहाँ पे है। मिसाल के तौर पर अगर स्किन में होंगे, डीप टिश्यू में होंगे, ये हेयरिंग के साथ एसोसिएटेड होंगे, इक्विलिब्रियम के साथ होंगे, या फिर आर्टीरियल प्रेशर को सेंस करने वाले होंगे। अगर ये स्किन के टैक्टाइल रिसेप्टर होंगे तो उनकी एग्जाम्पल कौन कौन सी होगी, फ्री नर्व बैंडिंग होगी। फ्री नर्व बैंडिंग में तो मैकेनो रिसेप्टर के तौर पर भी काम आती है, ये पेन रिसेप्टर के तौर पर भी काम आती है फ्री नर्व बैंडिंग, और थर्मो रिसेप्टर के तौर पर भी काम आती है। तो हर जगह मतलब मैकेनो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर और पेन रिसेप्टर में। दूसरा एग्जांपल है एक्सपांडेड टिप एंडिंग, इसकी एग्जांपल है मर्कल डिस्क, ये हमने डिटेल से पढ़ना है सोमैटो सेंसरी सिस्टम के अंदर मैकेनो रिसेप्टर को। तीसरा टाइप है स्प्रे एंडिंग, उसकी एग्जांपल रूफिनाई एंडिंग है। चौथा है डी है इनकैप्सुलेटेड एंडिंग, इसकी एग्जांपल है मीजनर कॉर्पसल्स और क्रॉस कॉर्पसल्स। पांचवी एग्जांपल है हेयर एंड ऑर्गन। तो ये स्किन में पांच स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स, फ्री नर्व बैंडिंग, मर्कल डिस्क, स्प्रे एंडिंग रूफिनाई एंडिंग आएगा, इनकैप्सुलेटेड एंडिंग यानी इन पर कैप्सूल की शीत चढ़ी हुई है, उन्हें मेजनर कॉर्पसल और क्रॉस कॉर्पसल आएगी। पांचवा है हेयर एंड ऑर्गन्स। अब दूसरी वैरायटी का कौन से हो जाता है मैकेनो रिसेप्टर, दूसरी वैरायटी क्या होती है, डीप टैक्टाइल सेंसेशन, यानी ये डीप टिश्यू के अंदर मौजूद होगी। इसकी एग्जांपल होगी फ्री नर्व बैंडिंग होगी, हमने कहा था फ्री नर्व बैंडिंग स्किन में भी होती है और डीप टिश्यू में भी होती है। एक्सपांडेड एंडिंग, यहाँ पे एग्जांपल नहीं दी मैंने, स्प्रे एंडिंग जिसमें रूफिनाई एंडिंग आएगा, इनकैप्सुलेटेड एंडिंग जिसमें बैक्सीडियन कॉर्पसल आते हैं, और मसल एंडिंग, मसल तो डीप होते हैं ना स्किन के, तो मसल एंडिंग्स भी डीप सेंसेशंस में आएगी। तो मसल एंडिंग में भी दो आ जाते हैं, मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन ऑर्गन। मसल स्पिंडल ने मसल की लेंथ को सेंस करना होता है, और गोल्जी टेंडन ऑर्गन ने जो टेंशन होती है मसल की, जो टेंडन के ऊपर लगाई हुई होती है उसने, उसको सेंस करना होता है। अगर हेयरिंग के साथ एसोसिएटेड होता है, हेयरिंग की एग्जाम्पल होगी साउंड रिसेप्टर्स होते हैं, यानी हेयर सेल्स होती है कोक्लिया के अंदर। इक्विलिब्रियम में वेस्टिब्यूलर रिसेप्टर्स होगी, यानी जो वेस्टिब्यूल होता है वो सेमी सर्कुलर किनाल होती है, वहाँ पे हेयर सेल्स होते हैं, वो उसको सेंस करते हैं, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। पांचवा आर्टीरियल प्रेशर, आर्टीरियल प्रेशर को सेंस करने के लिए स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर को बोलते हैं बैरल रिसेप्टर्स, वो कैरोटिड साइनस के अंदर होते हैं और आयोटा में होते हैं। ये हमने CVS में पढ़ना है इनको, कैरोटिड साइनस और आयोटा के अंदर बैरल रिसेप्टर को, उनके बैरल रिसेप्टर रिफ्लेक्स को भी पढ़ना है। अगली वैरायटी आती है थर्मो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी टेम्परेचर के चेंज को सेंस करे, वो वार्म भी हो सकता है, वो कोल्ड भी हो सकता है। ये दो टाइप के हम कह सकते हैं, कोल्ड रिसेप्टर, दूसरा वार्म रिसेप्टर। जो कोल्ड वाली होंगे वो कोल्ड स्टिमुलस को सेंस करेंगे, जो वार्म वाली होगी वो वार्म यानी कहने का मतलब हीट को सेंस करेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्सट्रीम हीट को या फिर एक्सट्रीम कोल्ड को सेंस करेंगे, तो वो पेन वैरायटी के बिलोंग करते हैं।
तीसरी वेराइटी है नॉक्स रिसेप्टर, यानी ये पेन रिसेप्टर पे बोलते हैं इनको। इनका फंक्शन ये होता है कि किसी हार्मफुल स्टिमुलस को सेंस करते होते हैं। वो हार्मफुल स्टिमुलस फॉर एग्जांपल अगर किसी टिश्यू की डिस्ट्रक्शन हो गई है, या बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक्सट्रीम कोल्ड होती है या फिर एक्सट्रीम हीट होती है हमने कहा था, तो वो भी पेन के अंदर आता होता है, तो उसको भी सेंस करना। फोर्थ वेराइटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर, जिनको हम फोटो रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, इनका काम होता है कि जो लाइट के जो सेंसेशंस को सेंस करना, यानी जो लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उसको सेंस करना। इसमें एग्जांपल कौन सी आएगी, इसमें एग्जांपल आएगी रॉड्स की जो नाइट वीएन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और कलर वीएन की जो कॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगली पांचवी वेराइटी है कीमो रिसेप्टर। हमने मिकैनो रिसेप्टर भी पढ़ लिया, हमने थर्मो भी पढ़ लिया, हमने पेन रिसेप्टर भी पढ़ लिया, हमने चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर जिनको फोटो रिसेप्टर भी बोलते हैं वो भी पढ़ लिया, और फाइनली था कीमो रिसेप्टर उसको भी पढ़ लिया। जो कीमो रिसेप्टर होते हैं ना, उनका फंक्शन होता है कि किसी भी केमिकल चेंज को सेंस करना। याद रखिएगा स्टिमुलस होते ही है कि किसी भी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज होना, तब्दीली होना, उसको सेंस करने होते हैं। तो कीमो रिसेप्टर किसी केमिकल कंपोजिशन को सेंस करते होते हैं, लेकिन उस केमिकल कंपोजिशन को चेंज होना चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए उसमें। अब इसकी फॉर एग्जांपल अगर किस टाइप की मोडलिटी को सेंस करने के लिए कौन से रिसेप्टर होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर टेस्ट अगर मोडलिटी है तो टेस्ट को सेंस करने के लिए टेस्ट बड के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। स्मेल होता है तो स्मेल को सेंस करने के लिए ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में रिसेप्टर्स होते हैं। अगर आरटीएल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है तो उसको सेंस करने के लिए एओटा और कैरोटेड बॉडी होती है, हमने कहा था कीमो रिसेप्टर होते हैं। अभी अगर ओस्मोलैलिटी को सेंस करना हो तो यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के, स्पेसिफिकली सुपर ऑप्टिक न्यूक्लिया, क्योंकि इसी न्यूक्लियस ने एडीएच प्रोड्यूस करना है। जब भी ब्लड की ओस्मोलैलिटी बढ़ेगी ना, तो उसका मतलब वाटर की कमी होगी है, तो एडीएच की रिलीज होगी, एडीएच रिलीज होकर वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कराएगा, यानी वाटर को कंजर्व करेगा। पाँचवा है जो आर्टेरियल ब्लड में CO2 होता है उसको भी सेंस करना, उसके लिए रिसेप्टर स्पेशलाइज्ड होते हैं, मेडुलोब्लन गैटम में होते हैं और एओर्टिक और कैरोटिड बॉडी के अंदर होते हैं, उसको सेंस करते होते हैं ब्लड CO2 को। हमने कहा था कि जो मेडुला के अंदर कीमो सेंसिटिव एरिया था, जो हमने कहा था कि कीमो रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, सेंट्रल और दूसरा पेरिफेरल, तो यहाँ पे सेंटर में मेडुला आ जाएगा और पेरिफेरल में एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडी हो जाएगी। ब्लड ग्लूकोज फैटी एसिड अमीनो एसिड को सेंस करने के लिए हाइपोथैलेमस होता है, और ये स्टाइटी कास्ट करता होता है, यानी ये फूड इनटेक को भी कंट्रोल करता होता है।